नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो टैक्सोनॉमिक है यानी कि क्लासिफिकेशन है, वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो जो प्रत्येक जो स्टेप होता है उसको हम रैंक या कैटेगरी कहते हैं, और जो कैटेगरी और जो रैंक हैं इनको हम अरेंजमेंट कर देते हैं। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ओवरऑल अरेंजमेंट इनका जो होता है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी उसको हम बोलते हैं। सभी को मिलाकर के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाती है इस तरीके से। और जो प्रत्येक जो कैटेगरी है उसको रिफर्ड एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्रत्येक कैटेगरी अपने आप में एक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, और वास्तव में रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज ए टैक्सॉन, और वास्तव में उसको हम टैक्सॉन बोलते हैं, यानी कि जो हायरार्की की एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की जो यूनिट होती है उसको हम रैंक यानी कि पर्टिकुलर उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। कैटेगरी या रैंक पर्टिकुलर उसको टैक्सन बोलते हैं। और पूरी जो हम हायरार्की तैयार करते हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसी, ये सब हमारा पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। इतना क्लियर है? चलिए, अब जैसा कि आप इस त्री स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक ट्रिक यहाँ से आपको बना के दी है, पीसीओ फंगस। ठीक है, यानी कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फिर आपका फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, अब देखिए ये आपके जो एरो मैंने इस तरीके से यहाँ से लगाया है, तो इस तरीके से यहाँ से स्पीसीज, जीनस, फंगस, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और फिर किंगडम। तो ये ऑर्डर क्या है, इस तरीके से ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, कॉमन करेक्टराइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ से स्पीसीज से ऊपर यहाँ चलते चले जाएंगे, जो कॉमन करेक्टर होते हैं वो हमारे कॉमन करेक्टर धीरे धीरे क्या होंगे, वो कम होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। ये चीज़ आपको इसमें समझना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए कि जो किंगडम की हम बात करते हैं, तो किंगडम क्या है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर्म स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ से जो ऑर्डर इस तरीके से दिया गया, आपको एग्जाम में दे सकते हैं ऑर्डर, तो ये ऑर्डर क्या है इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ से ये असेंडिंग ऑर्डर है इस तरीके से। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर, अगर यहाँ से इधर से पूछ देते हैं तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है इस तरीके से। तो पीसीओ फंगस से ट्रिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो किंगडम की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू टू दी हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम, यानी जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो क्या होती है, किंगडम होती है, फिर लोएस्ट कैटेगरी में चलते चले जाते हैं। तो जैसे किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमलिया है एग्जाम्पल के लिए, तो किंगडम जो प्लांटी है उसमें सभी प्लांटों को डिस्क्राइब किया गया है, और जो आपका एनिमलिया है उसमें एनिमल्स को, आप जानते हैं ये चीज़। चलिए अब देखिए क्या है कि हायर द कैटेगरी, ठीक है, ग्रेटर इज डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा, यानी कि जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में पहुँचते हैं तो वैसे वैसे, यानी हायर कैटेगरी में पहुँचते हैं तो क्या होता है, ग्रेटर इज डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द टैक्सा एट सेम लेवल। उस सेम लेवल पर जैसे जैसे ऊपर पहुँचते चले जाते हैं तो हमको क्या है कि उनको आइडेंटिफिकेशन में और एक दूसरे में रिलेशनशिप करने में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होती जाती है, यानी कि स्पीसीज लेवल पे हमें किसी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करना, उसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जैसे जैसे हम इधर चले जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, वैसे वैसे क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रॉब्लम होती है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। चलिए अच्छा, अब इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में ये जो दिया गया है टेबल, वो टेबल आपको याद करना है, यानी कि
मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। इसमें मैन में आपका क्या है, बायोलॉजिकल नेम याद करना है होमोसेपियंस, फिर हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगिफेरेंड का और वीट का ट्रिटिकम एसीटैबम। फिर इसका जीनस आप याद कर लेंगे, होमो, हाउस फ्लाई का मस्का और मैंगो का आपका जीनस हो जाएगा मैंगीफेरा और वीट का ट्रिटिकम। इस तरीके से टेबल में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, पूरा आपको ये लर्न करना है। फिर फैमिली है, मैन की फैमिली क्या होती है, होमोनिडी, हाउस फ्लाई की फैमिली क्या है, मुसेडी, और मैंगो की फैमिली का एनाकार्डियेसी और वीट की फैमिली पोएसी। फिर इसके बाद ऑर्डर याद करना है, प्राइमेटा, मैन का ऑर्डर प्राइमेटा है और हाउस फ्लाई का डिप्टेरा है, मैंगो का सेपेंडियल्स है और वीट का पोएल्स है। अब तो ये आप में क्या है कि मैंगो, वीट का आपको फैमिली और ऑर्डर बहुत अच्छे से देखना है। वीट का क्या है फैमिली, पोएसी और ऑर्डर पोएल्स, ये कन्फ्यूजन करने वाले, इसको आप याद करेंगे अच्छे से। फिर क्लास की बात करते हैं, तो मैन का क्लास क्या है, मैमिलिया, और हाउस फ्लाई इंसेक्टा, मैंगो डाइकोटिलीडनी और वीट मोनोकोटिलीडनी। ठीक है, अब क्या है फाइलम की या डिवीजन की बात करते हैं, तो मैन का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई, आर्थ्रोपोडा, मैंगो, एंजियोस्पर्मी और इसका अब वीट का भी आपका एंजियोस्पर्मी। तो ये टेबल आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और कमेंट बॉक्स में आपको ये लिख के ये बताना है कि वीट की फैमिली क्या है और वीट का ऑर्डर क्या है, और मैंगो की फैमिली क्या है और मैंगो का ऑर्डर क्या है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर से सुन लीजिएगा, वीट की फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, और मैंगो का फैमिली क्या है और ऑर्डर क्या है। चलिए अब देखिए, हम यहाँ पे किंगडम को समझ लिया, अब हम देखिए फाइलम को यहाँ पे समझते हैं। देखिए फाइलम क्या है, जैसे कि क्लास कंपेयरिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विथ मैमेलियन मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। तो जैसे कि जो क्लास में, जैसे कि जो क्लास है, फिशेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है और आपका बर्ड्स है, इनको और जो मैमल्स हैं, इनको सभी को हम नेक्स्ट हायर कैटेगरी में रखेंगे तो वो कैटेगरी क्या हो जाएगी, फाइलम हो जाएगी। ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का फीचर्स क्या है, यानी कि जो ये सभी क्लास हैं हमने बताया, फिजिस, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, वर्ड्स और मैमल्स को भी इंक्लूड करते हुए, इनको हम हायर कैटेगरी में जब रखेंगे तो उसको क्या होगी, फाइलम। ठीक है, अब फाइलम क्या है कि फाइलम क्या है, जैसे कि हम इन सभी का फाइलम जानते हैं, इन चारों का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। तो फीचर्स क्या होगा, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और डोर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम होगा, ये कॉर्डेटा की पहचान होती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि नॉन कॉर्डेटा का जो फीचर्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कॉर्डेटा का फीचर्स क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और साथ ही साथ में डोर्सल हॉरो न्यूरल सिस्टम होगा। अब आपको ये बताना है कि नॉन कॉर्डेटा का फीचर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्लास की ओर। देखिए क्लास की बात, जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लास है वो हमारा क्लास क्या है, हम किस क्लास में बिलोंग करते हैं, मैमेलिया क्लास में, और हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। तो ठीक है, तो अब इसके बाद एक और हम देखते हैं कि जैसे कि ऑर्डर जो है कार्निवोरा ऑर्डर है। ठीक है, इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, ये सब किस में रखे गए हैं, ये सब के सब कार्निवोरा ऑर्डर में है, लेकिन इनका क्लास क्या है, क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर आल्सो, यानी कि जो यहाँ पे प्राइमेटा है, ठीक है, जो ऑर्डर प्राइमेटा है और जो ऑर्डर कार्निवोरा है, इन दोनों को हम किस में रखा है, इनका जो जिनका इनका जो क्लास है वो क्या है, क्लास मेमेलिया है। ठीक है, यानी कि अब देखिए, अब इसके बाद हम ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखिए ऑर्डर में हम बात करेंगे, तो देखिए जैसे कि ऑर्डर, जैसे कि कन्वोलवेसी है और सोलोनेशी है। ठीक है, तो ये सभी जो फैमिली हैं इन सभी की हम बात करते हैं, इन सभी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉली मोनियल्स। अब बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर, ये आपको याद रखना है कि जो कन्वोलवेसी और सोलोनेसी फैमिली है इनको हमने किस ऑर्डर में इंक्लूड किया है, पॉली मोनियल्स ऑर्डर में, किस बेस पर किया गया है, बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर, याद करना है इस चीज़ को कि कन्वोलवेसी और सोलोनेसी इंक्लूड किया गया हमने ऑर्डर किस में, पॉलीमोनियल्स में, और ये किस किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन दी फ्लोरल करेक्टर। इसके बाद जो एनिमल्स जो ऑर्डर आपका
कार्निवोरा, ठीक है। कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली, इसमें अगर फैमिली की बात करते हैं तो फेलिडी और कैनिडी है, ये दो फैमिली हैं। इनको हमने किस ऑर्डर में डिस्क्राइब करेंगे, कार्निवोरा में, ठीक है। जो देखिए अब फेलिडी जो है वो कैट की फैमिली है और कैंसाइडी जो कैंसिडी है वो डॉग की फैमिली है। अब देखिए कार्निवोरा ऑर्डर है उसके अंदर दो फैमिली हमने बताई आपको कौन कौन सी हैं, वो फैमिली है आपकी फेलिडी और कैंसिडी। याद रखिएगा फेलिडी कैट की फैमिली है और कैंसिडी जो है वो डॉग की फैमिली है, ठीक है। यानी कि जब हम यहाँ पे जब हम देखते हैं किस तरीके से हमने फैमिली को एग्रीगेट कर देंगे तो फैमिली को जोड़ते चले जाएंगे तो आपका ऑर्डर बन जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो सेगमेंट ये है कि फैमिली की बात करेंगे। तो देखिए फैमिली देखिए क्या है कि जैसे कि सोलानेसी फैमिली आप जानते हैं, ठीक है। सोलानेसी फैमिली में सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा, इन सभी को हमने किस फैमिली में रखा है, सोलानेसी फैमिली में, ठीक है। और इसके बाद हमने बताया आपको कि जो फैलिस है यानी कि फैलिडी जो फैमिली है वो किसकी है, ये आपकी फैमिली है कैट की, लीपर्ड की, लॉयन की और टाइगर की। और कैंसिडी जो आपकी फैमिली है वो किसकी है, आपकी डॉग की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो क्या है कि जो फैमिलीज़ के बाद इसमें जो फीचर्स है